आइए चलिए, मैं आपके साथ आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन तीन मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा आपके बच्चों का शिक्षण, आपके बच्चों की पढ़ाई। दूसरा मुद्दा आपका अनाज, आपका दो वक्त का खाना। और तीसरा मुद्दा आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ, उसके टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे। तीन मुद्दे मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मैं आपके सामने तीन ऐसे मुद्दे लेकर आया हूं जो मुद्दे आपके साथ कहीं ना कहीं जिनका ताल्लुक है, जिनके तार आपके साथ मिलते हैं। सबसे पहला मुद्दा मैं आपको जो बताऊंगा कि हर शख्स ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, काबिल इंसान बने। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा तकलीफ तो जब हो रही है कि जब मैं किसी स्कूल के बच्चों से मिलता हूं और मिलने के बाद जब मैंने उनसे बात किया तो पता चला कि उस स्कूल से उसको एक विजिटिंग कार्ड दिया जाता है और वो स्कूल उसको ये कह रही है कि आपको जो किताबें हैं, आपकी जो कापी है, आपका जो पेन है, आपका जो बैग है, आपका जो कंपास है, वो सारी चीजें आपको उस दुकान से लेना है। तो क्या इस तरीके का स्कूल इस तरीके की हरकत अगर करेगा तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमको उठाना पड़ सकता है? क्यों आखिर स्कूल इतना मजबूर हो चुका है कि वो ऐसी दुकानों का विजिटिंग कार्ड अपने स्कूल में रखकर बच्चों के साथ दे रहा है कि जाकर फला फला दुकान से आप वो चीजें ले? आखिर क्या ऐसी वजह है? क्या दुकान वालों के साथ उनका कुछ साठगांठ है या दुकान वालों के साथ मिलकर कोई वो लोग ऐसी स्कीम बना रहे हैं जिसके वजह से उनको फायदा हो सकता है? दूसरी बात आपको मैं ये बताता चलूं कि आज मैं एक जगह जब मेरा जाना हुआ, वो स्कूल को देखा जा रहा है कि ग्रैंड है, स्कूल को के टीचर को पेमेंट गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन जब मैं उसको स्कूल के बच्ची से मिलता हूं, जब मुझे पता चला कि बच्ची आठवीं में है, लेकिन जब मैं उसको नाम लिखने लगाता हूं तो ना वो अपना नाम लिख पाती है, ना अपने फादर का, ना अपने डैडी का नाम वो लिख पाती है। तो छठी सातवीं आठवीं के बच्ची जब अपना नाम नहीं लिख पा रही है तो ये स्कूल वाले आखिर टीचर्स कर क्या रहे हैं? जब उनके पेमेंट के बारे में पता जब हम करते हैं कि तो किसी को 60,000 पेमेंट है, किसी को 70,000 पेमेंट है। मैं तो ये चाहूंगा कि जो पेमेंट आप लोग इनको इतनी दे रहे हैं उनकी कम कर कर पुलिस डिपार्टमेंट को आप दीजिए, क्योंकि पुलिस धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, आपकी हिफाजत करने के लिए कहीं ना कहीं लगी है। दूसरा मुद्दा स्कूल का मुद्दा तो ये हो रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और इंग्लिश स्कूल की जब बात हम करते हैं, इंग्लिश स्कूलों का तो इतना बड़ा इश्यूज हो गया है कि ड्रेसेस आपको लेना है तो उसी स्कूल से लीजिए, फीस जो देना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गरीब का बच्चा शायद ही अब जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट, इंग्लिश जो है पढ़ेगा या इंग्लिश मीडियम से वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, क्योंकि इतना बड़ा इंग्लिश स्कूलों का जो आज निज़ाम बन चुका है कि वहाँ की फीस देखकर इंसान को रातों की नींद नहीं आ रही है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा अगर मैं देखने की जब बात जाऊँगा, अब स्कूल से खास बात एक ऐसी है कि इंग्लिश स्कूलों से जब हमने शिक्षण अधिकारी से जब बात की, हमारे एक प्रतिनिधि वहाँ गए थे, जब उन्होंने बात की तो वहाँ से एक चीज़ पता चली कि इंग्लिश स्कूल जो फीस ले रहा है वो आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। उसका ये लॉ है, उसका एक रूल है कि आप वहां पर बैठ के उनके साथ में बैठकर उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितनी फीस आपसे लेगा। जब आप ये डिसाइड करेंगे, जब आप खुद उसको बताएंगे कि आपको ये फीस देना है तो आप ठीक है, या फिर आप दूसरे स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब खास बात ऐसी है कि कई इंग्लिश स्कूल ऐसे हैं जिसके पास में प्ले ग्राउंड नहीं है, अंडरग्राउंड के अंदर ये लोग जो है स्कूल चला रहे हैं, बच्चों का पूरी तरह दम घुट रहा है, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, फीस इन लोगों की इतनी है कि जब हम फीस जब सुनते हैं तो रातों की नींद उड़ जाती है। इस तरीके की इन लोगों की हरकत है। ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा जब हम देखते हैं कि इंसान के खाने का जब मसला आता है तो इंसान जब खाएगा, पेट में उसके जब अनाज होगा तो ही वो बाहर निकलेगा, तो ही वो पढ़ाई करेगा, तो ही वो काम करेगा, तो ही वो सारी चीजें अपने वजूद में लाएगा। राशन की दुकानों की जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है खुद फ्री में जब राशन बांटने का ये फैसला कर चुकी है तो आखिर क्या वजह है कि लोगों को राशन सही में नहीं मिल रहा है? दुकान पर जब हम जब पता करते हैं, दुकानों की बात जब हम करते हैं, लोगों से जब मैं मिलता हूं तो पता चलता है कि जिसके पास में पीला राशन कार्ड है, किसी के पास में ऑरेंज राशन कार्ड है। कितना गवर्नमेंट उन लोगों को राशन दे रही है, एक आदमी पर कितना राशन मिल रहा है, क्या आप लोगों को ये सारी चीजें पता है? मैं साफ अल्फाजों में अगर ये बात कहूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत नहीं होगा। खास बात ऐसी है कि राशन की दुकानों पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। राशन की दुकानों पर मैं ये देख रहा हूं कि लाइन लोग लगा तो रहे हैं लेकिन उन लोगों को उतना राशन नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो जब पता चला क्यों नहीं मिल पा रहा है तो वहां जब ये लोग पहुंचते हैं तो आपको दुकानें बंद नजर आती है,
खास बात तो ऐसी है कि सुनने में ये आया है कि कई राशन की दुकानदार दादागिरी पर उतर आए हैं, वो लोग दादागिरी कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि आप अगर हमारी शिकायत कहीं जाकर करेंगे तो हम उसके एक्शन में आपके साथ कुछ और हरकत करेंगे, आपका राशन कार्ड वहां से उड़ा दिया जाएगा। तो अब ऐसी हरकतें नहीं चलेगी। इन हरकतों को रोकने के लिए औरंगाबाद अपडेट्स आप जो है मैदान में उतर चुका है। हम आपको अपना नंबर देंगे, स्क्रीन पर हमारा नंबर चलाएंगे, हमारे साथ जुड़िए और हमें बताइए कि कौन सी ऐसी दुकान है जो आप तक जो है आपका राशन नहीं पहुंचा रही है। उसके बाद में अगर हम देखते रहे तीसरा मुद्दा, जब अब ये जब होता है, स्कूल का मुद्दा एक हो गया, उसके बाद में खाने का राशन का एक मुद्दा हो गया, तीसरे मुद्दे के जरा जब हम टन लेते हैं, तीसरे मुद्दे पर जब हम आते हैं, तो वहां पर एक खास बात ऐसी पता चलती है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम हमारे बच्चों को पढ़ाए या हम राशन के बारे में सोचे, हम आखिर करें तो करें क्या। तीसरा जो मुद्दा है ये बहुत गंभीर मसला है, ये तो इतना गंभीर है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर जितने राजनेता है उन लोगों ने इसके ऊपर सोचना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। आज ही की बात आपको बता रहा हूं कि आज ही एक इश्यू हमारे सामने आया। एक दवाखाने में एक शख्स जाता है, वहां पर दवाइयां लिखी जाती है 2000 के करीब, जब वो बाजू की मेडिकल से ले रहा है वहां पर उसको जब बिल बताया जा रहा है 2000 कुछ रुपए का बिल बन रहा है। अब वहां पर उसने बहस की, वहां से बहस करने के बाद में वो कहीं और मेडिकल पे जब गया तो उसको पता चला कि ये दवाई सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए की है। अब डिफरेंट मैं आपको बताने की कोशिश करूं, 2000 रुपया कि देखा जाए या 400 रुपए देखा जाए, जनता इसने इतनी परेशान हो चुकी है कि अब इसकी कोई हद नहीं रही। खास बात ऐसी है कि डॉक्टर भी आप जो है वही कंटन की गोली लिखते हैं जो उनके पास के मेडिकल में मौजूद है। क्यों आखिर इस तरीके के रूल बनाए जा रहे हैं, आखिर क्यों जनता मजबूर हो रही है कि उसी मेडिकल से वो दवाई ले जिस दवाखाने में वो बता रहे हैं। डॉक्टर आखिर क्यों दूसरे कंटन की गोली नहीं लिखते हैं कि वो कहीं और मेडिकल पे भी वो दवाई मिले। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोचने की बात है। इस तरीके का धंधा चल रहा है, इस तरीके का कारोबार चल रहा है कि दवाखाने के पास में ही वो मेडिकल होती है जहां पर वो दवाइयां मिलती है। अदरवाइज आप अगर किसी और दवाखाने के पास जाते हैं या कहीं और मेडिकल पे अगर आप जा रहे हैं, वहां पर वो दवाइयां आपको अवेलेबल नहीं मिलती। क्या ऐसा रूल्स है? जब हमारे प्रतिनिधि अफाज भाई वहां पर गए, जब उन्होंने बात की तो वहां पर पता चला कि इस तरीके का कोई रूल्स नहीं है, इस तरीके का कोई वहां पर ऐसा लॉ नहीं है कि वो उसके पास के ही मेडिकल से आपको दवाई दे सकता है। दोस्तों, तो आप जो है इसके लिए खुद हमारा साथ बने, आप खुद हमारे हथियार बने, आप खुद उठे और जितने राजनेता हैं जो अपने आप को पुढ़ारी समझते हैं, जो अपने आप को राजनेता समझते हैं, जनता के ये तीन मुद्दे बहुत बड़े हैं। सबसे पहला मुद्दा जो मैंने आपके सामने रखा कि वो स्कूल का मुद्दा है। हर बच्चा ये चाह रहा है कि आप जैसे लीडर का बच्चा पल रहा है, वो चाहता है कि मैं भी इंग्लिश स्कूल से पढ़ूं या मैं भी डॉक्टर बनूं, मैं भी इंजीनियर बनूं, मैं भी काबिल इंसान बनूं। देखा तो ये जा रहा है कि उससे अच्छे तो महानगर पालिका के स्कूल है, वहां पर अच्छी पढ़ाई हो रही है, वहां के बच्चे अच्छे जो है नंबर लेकर आ रहे हैं। तो मेरे हर नेता से यह अपील है कि आप भी हमारे साथ जुड़े, हमारा साथ दे, और प्रशासन से मेरी अपील है कि आप जो है इसके तरफ पूरी तरह ध्यान दें, इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। पहला मुद्दा जो मैंने बताया स्कूल का मुद्दा है कि वहां पर विजिटिंग कार्ड दिए जा रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि वहां जाइए, वहां से आप किताबें लीजिए। दूसरी बात अगर देखा जा रही है तो राशन के दुकानों पर भ्रष्टाचार हो रहा है, राशन की दुकानों पर वहां पर लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। तीसरा मुद्दा जो देखा जा रहा है कि हर दवाखाने के पास, हर हॉस्पिटल के पास उसकी अपनी मेडिकल है, जो उस मेडिकल पे वही दवाइयां रख रहा है जो वो लिख रहा है। ये तीनों बातें गलत है। तो आप हमारे साथ जुड़े, स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और हर उस नेता से जो अपने आप को लीडर कहता है, जो आपको नेता कहता है अपने आप को, उनसे मेरी अपील है कि आप इस मुहिम में हमारा साथ दें और इस चीजों को आप जो है रोकने की कोशिश करें। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स, अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स, औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।